हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। इफ़ यू लाइक अवर कंटेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो इससे पहले मैंने मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ के और क्वेश्चन के मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो अपलोड कर दी है। सो आई बटन में उसकी लिंक दी हुई है, आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिएगा। सो यहाँ से हमारे पास अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इवेल्यूएट मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स एंड मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस ऑफ एक्स। हमने यहाँ से इनकी वैल्यू इवेल्यूएट करनी है। सो अगर इनकी वैल्यू इवेल्यूएट करनी है तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी काम में लेंगे गामा फंक्शन की। सीन्स गामा फंक्शन की हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी कही जाती है इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स रेस टू द पावर पी माइनस वन एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास लिखा जाता है गामा फंक्शन ऑफ पी डिवाइडेड बाई आयोटा रेस टू द पावर पी। ये हम जानते हैं, साथ ही कंडीशन ली जाती है रियल पार्ट ऑफ पी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। सो अगर हम यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, हमारे पास ऑयलर थ्योरम हम जानते हैं, ऑयलर थ्योरम से अगर एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा हम लिखें तो वही हमारे पास लिखा जाएगा ऑयलर फंक्शन से कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास होगा। सो अगर यहीं से हम राइट आउट करें इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स रेस टू द पावर पी माइनस वन, ये अगर हम राइट आउट करें तो ये हमारे पास क्या लिखा जाएगा कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स राइट आउट किया जा सकता है यहाँ से हमारे पास, इंटू में आएगा डी एक्स। राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज रहेगी गामा फंक्शन ऑफ पी डिवाइडेड बाई आई रेस टू दी पावर पी, ये एज इट इज लिखेंगे। अब अगर हम यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करें, आयोटा रेस टू दी पावर पी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, हमारे पास क्या लिखा जाता है गामा फंक्शन ऑफ पी इंटू आयोटा रेस टू दी पावर माइनस पी। अब हम जानते हैं अगर हम आयोटा लिखे कोस थीटा, थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से पाई बाई टू ले लेते हैं एन प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा की फॉर्मेट में लिखी जाएगी। और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या लिखी जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास आयोटा के इक्वल, बिकॉज ऑफ कोस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होगी, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होगी, वैल्यू आयोटा आ जाएगी। सो अगर हम इसी से सिंप्लीफाई करें, यहाँ से राइट हैंड साइड हमारे पास सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगी गामा फंक्शन ऑफ पी, ये आ जाएगी हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर इसको सिंप्लीफाई करें ये क्या आएगी एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, या थीटा की जगह पाई बाय टू रख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाय टू इक्वल्स टू आयोटा होगा। सो अगर आयोटा की पावर माइनस पी होती है तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या राइट आउट की जा सकती है, यहाँ पर आयोटा की जगह हम राइट आउट कर सकते हैं इसकी पावर को थीटा को एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा की पावर हमारे पास यहाँ से अगर हम माइनस पी करेंगे सो हमारे पास सिंप्लीफाई होने से क्या बनेगा ई की पावर माइनस आयोटा पी पाई बाय टू आ जाएगा, और यहाँ से आयोटा की पावर माइनस पी आएगा, ये राइट आउट कर सकते हैं। इसका दोबारा एक्सपेंशन कर देंगे, दोबारा एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी कोस पी पाई बाय टू आएगा माइनस में आयोटा साइन पी पाई बाय टू आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज को कंपेयर कर लें, ये वैल्यू हमारे पास बनी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। पहले रियल पार्ट्स देख लेते हैं, रियल पार्ट्स देखते हैं उसके नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट देखेंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की पावर आ रही है पी माइनस वन, कोस ऑफ एक्स आ रहा है साथ ही डी ऑफ एक्स आ रहा है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट देखेंगे माइनस आयोटा का मल्टीपल है, सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है एक्स की पावर पी माइनस वन आ रही है, साइन एक्स आ रही है डी एक्स आ रही है। इसी तरीके से अब राइट हैंड साइड में अगर हम चेकआउट करें, राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या आ रही है रियल पार्ट की, रियल पार्ट तो ये आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट ही आ रहा है, माइनस यहाँ भी आ रहा है हमारे पास और इसमें भी हमारे पास यहाँ से माइनस ही आ रहा है, सो सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास गामा फंक्शन ऑफ पी आ रहा है कोस पी पाई बाय टू आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ से आ रहा है गामा फंक्शन ऑफ पी साइन पी पाई बाय टू आ रहा है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से बन रही है। सो यहाँ से हमारे पास अगर ये देखें एक्स रेस्ट टू द पावर पी माइनस वन कोस ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से गामा फंक्शन ऑफ पी कोस पी पाई बाय टू आ रही है। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर क्या बन रहा है, ये हमारे पास मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन की तो वैल्यू है, सो यहाँ से अगर हम राइट आउट करें मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन अगर लिखें मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस ऑफ एक्स ओवर पी इक्वल्स टू आएगा हमारे पास गामा फंक्शन ऑफ पी कोस ऑफ पी पाई बाय टू। साथ ही अगर हम यहाँ से पी के लिए कंडीशन देखें, पी के लिए कंडीशन क्या आएगी, पहली कंडीशन तो हमने ली थी पी की वैल्यू जीरो से रियल पार्ट ऑफ पी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड मस्ट बी लेस देन वन होना चाहिए यहाँ से। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन से अगर हम देखें, ये हमने इमेजिनरी पार्ट से ली है, इमेजिनरी पार्ट से हमने यहाँ से ये लिया है, तो मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स बन रहा है हमारे पास
ओवर पी इक्वल्स टू राइट आउट किया जा सकता है गामा फंक्शन ऑफ पी साइन पी पाई बाई टू, सेम वैल्यू हमारे पास इसके लिए रहेगी, रियल पार्ट ऑफ पी मस्ट बी बिटवीन 0 to 1। सो यहां से हमने कोस ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स के मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।